इनके दौर को मिट्टी में हाथ में मिला दिया और इंशाल्लाह हम कल ये समझ में जाते हैं कि कहां से आए हो। सब खामोशी, जितना लोग कमाते नहीं खामोशी, मगरब की आजाद का वक्त है और असल चीज हमारे मैंडेट है वक्ता लेंगे हमें नजर आ रही है। इससे पहले आपने मेल हजरात को देखा इस जलसे में, लेकिन
आटा महंगा, फलान चीज महंगी है, फोन 47 45, जो हमारी जो बड़े लोग हैं उनको भी नहीं पता था, आजकल को वाले बच्चों को पता है। आप क्या जज्बात लेकर आई हैं मेरे पास? हम अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर, पाकिस्तान का एक खास लीडर जो कह गया के बाद हमारे पास अल्लाह ने भेजा इनाम की सूरत में, हम उस बंदे के लिए यहाँ आना क्या अपनी जान का कुर्बान कर सकते हैं, उस पे हमारे बच्चे कुर्बान, हम सारे कुर्बान। मेरी बात सुने, यहाँ पे आना नहीं है, वो जिस जगह बुलाएगा, जिस मुश्किल वक्त में बुलाएगा, हम उसकी पुकार पे लबैक करेंगे और जाएंगे। लगता है कि हमारी खवातीन भी जाएंगे। लगता है कि आज के जलसा कामयाब होगा और इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा? जलसा कामयाब नहीं है, जलसा कामयाब होगा नहीं, हो गया है, क्योंकि इनको जो इन्होंने जितना डराया है, इन्होंने जितना फस्तयात का सामना करवाया है, हम नहीं करने वाले, ना हम झुकने वाले हैं। हमारे ऊपर भी FIR हुई है, हमारे अपने इलाकों में, लेकिन हम इसे नहीं करते, हम अपने लीडर को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बना कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, क्या जब आप जलसा कहा के लिए निकली घर से, किन रुकावटों का, किन मुश्किल पहले बहुत सारी रुकावट, पहले तो अपने एरिया से मुझे निकलने के लिए, हमारे मैं डेरा गाजी खान से, वहाँ पे सरदार है, वहाँ पे अवैस लिहारी है जो नून लीग से, वहाँ पे बहुत सारे सरदार हैं जिन्होंने पहले वहाँ अपने इलाकों में रोकने की कोशिश, लेकिन हम एक दिन पहले निकल आए हैं। जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से भी हम मुश्किल का सामना करते हुए आए हैं। हमारे लिए ये मुश्किल हम मैं नहीं रखती, हमारे खान की पुकार में नहीं रखती, हम बड़ी खूबसूरत सराइकी में बात करते हैं।